तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक हैंड ब्लेंडर है जो कि जाम हो गया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं घूम रहा है। तो इसको यहाँ पे सबसे पहले सही करने के लिए ये जो ब्लेड है आपको इसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर से इस प्रकार से धकेलना है जिससे कि निकल जाती है। और निकलने के बाद ये जो उल्टे आटे का यहाँ पे दिया हुआ है उसको उल्टा घुमा के आपको उसको निकाल देना है। निकालने के बाद यहाँ पे इसका जो रबड़ है इसको आप निकालना है, और यहाँ पे ये जो साइड में दो स्क्रू दिए हुए इनको भी यहाँ पे खोलना है, और खोलने के बाद यहाँ पे आपको इसको ऐसे धकेलना है जिससे कि ये बाहर निकल जाता है। जब यहाँ पे ये बाहर निकल जाए तो यहाँ पे इस शाफ्ट को इससे अलग करना होता है। तो अलग करने के लिए यहाँ पे ऊपर आपको ये दो स्क्रू दिए हुए इसको यहाँ पे टेस्टर या आपके पास जो भी स्क्रू ड्राइवर उसकी सहायता से खोल देना है। और खोलने के बाद यहाँ पे आपको इसको सही करना है। सही करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शाफ्ट है ये यहाँ पे जाम हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नीचे और ऊपर दोनों साइड ऑयल देके यहाँ पे मैं इसको किसी भी पकड़ की सहायता से यहाँ पे घुमाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो ऑयल है वो इसके अंदर चले जाते हैं जिससे कि ये यहाँ पे फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे आपको भी इस प्रकार से ऑयल लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पकड़ की सहायता से इसको घुमाना है, और ऑयल आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड देना है जिससे कि इसके जो बूस है इसके अंदर ऑयल लग जाता है। फिर यहाँ पे ये जो शाफ्ट है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको अब यहाँ पे हाथ से घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे हाथ से भी घूम रहा है, और यहाँ पे इसकी जो मेन मोटर है वो तो बिल्कुल फ्री है। यदि फ्री नहीं है तो आप इस पर भी ऑयल लगा के इसको भी फ्री कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने जैसा इसको खोला था वैसे आपको फिट कर लेना है। इसका जो बूस है उसको यहाँ पे इसकी जो मेन शाफ्ट है इसके अंदर फिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इनको फिट करके वापस इसी तरह से आपको फिट करना है जिस प्रकार से आपने खोला था। फिर यहाँ पे दोनों स्क्रू यहाँ पे आप लगा के आप वापस इसका जो आगे वाला भाग है उसको इसी प्रकार से फिर करके फिर यहाँ पे चालू करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने खोला था वैसे इसको फिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। फिर यदि मैं इसको चालू करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चालू हो चुका है। तो इस प्रकार से आप हैंड ब्लेंडर को घर बैठे सही कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पे ये फ्री हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।